हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सजवां व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इससे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे, हल्दी का व्लॉग देखा होगा, मेहंदी का, कीर्तन का व्लॉग देखा होगा, तो आज आप लोग देखने वाले हो शादी का व्लॉग। और आप लोग बोल रहे होंगे थंबनेल तो बड़ा अच्छा अच्छा लगा है, लेकिन ये शकल सूरत क्या बनाई है ऐसी। तो दोस्तों, अभी तो सुबह के 10 बज रहे हैं, तो अभी मतलब अभी रेडी होने जा ही रहे हैं बस। तो अभी नहाना धोना हुआ और टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है यार, सही में। और आगे की वीडियो में मैं यही बोल रही हूँ कि टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा यार, टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं रोटी वगैरह बना रही थी नीचे पंडित लोगों के लिए, तो उसके बाद अभी ऐसी बिजी थी, कोई आ रहा तो उनको चाय दो, पानी दो, उनकी खातिरदारी करो, यही सब में पूरा दिन निकल जा रहा है। तो अभी मैं टाइम निकाल के थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, और अभी थोड़ा रेडी होंगे, और उसके बाद मतलब आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरी बहन की शादी होने वाली है। थोड़ा इमोशनल भी हूँ, मतलब अंदर से इमोशनल भी हूँ, बाहर से खुश हूँ कि हाँ मेरी बहन की शादी हो रही है। तो दोस्तों, शायद आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आगे के व्लॉग्स में आपने देखा होगा, मेहंदी वाले व्लॉग्स में शायद, क्योंकि उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि सारी जगह डीजे की आवाज़, फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। लेकिन और ऊपर से टाइम नहीं मिल रहा था, मेन कारण यही था। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था मैं शूट कर रही थी, और जैसे देखो नीचे इतने सारे काम हैं, तो मैं एकदम से वो तो नहीं कर सकती हूँ ना कि काम धाम छोड़ के और एकदम से वीडियो बनाने चले जाऊँ सब जगह, ऐसा भी अच्छा नहीं लगता ना। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको, मैं जल्दी जल्दी रेडी होने जाती हूँ, सबके सब रेडी हो ही रहे हैं, मैं नहीं हुई बस, बाय 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 बाय। तो दोस्तों देखो, सबके सब रेडी हो रहे हैं। हेलो, ये देखो गर्ल्स, अभी देखना इसके बाद कैसे रॉकिंग लगेंगे सबके सब, सबके सब रॉकिंग। अभी ये घर वाला लुक है, घर या लुक, और इसके बाद देखना घर या लुक, मॉडर्न लुक, इसके बाद मॉडर्न लुक आने वाला है। सो आपको वेट करना पड़ेगा 2 मिनट, सरप्राइज। तो यहाँ पे हो रही है हमारी तैयारी, हम तैयार हो गए हैं। तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सबके सब रेडी हो चुके हैं, और ये रही दुल्हनिया, और ये विमल भैया, बहुत ही अच्छा मेकअप करा हुआ है मेरी बहन का, देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो दोस्तों, अभी बारात नीचे आ चुकी है, तो बस अभी नीचे जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, सारी के सारी गर्ल्स रेडी हो चुकी है, देखो पीछे दुल्हनिया, हमारी दुल्हनिया मैम, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। खाली बेइज्जती करो ना, आज तो मत करो यार हमारी बेइज्जती। रॉकिंग गर्ल्स, रॉकिंग गर्ल्स, यो आज तक होता। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दुल्हन का फोटो शूट चल रहा है, फोटोग्राफर देखो कैसे कैसे पोज मार रहे हैं। वीडियो देखेगा तो पिटेगा मुझे। ये हमारी दुल्हनिया, अरे दुल्हन के दोस्त, हेलो, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो मेरा? हाँ भाई, बिल्कुल, या फेमस हो रही हूँ, फेमस हो रही हूँ, कतई जहर, कतई जहर। क्या हुआ, तो लेके आना जा, फोन दे लेती, फोटो खींच ले जरा। अरे भैया पे क्या बता रखे गुरु भाई, ये तो ब्लॉगिंग करके बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं बेइज्जती नहीं भाई, उनका वो होगा क्या, फेमस होंगे वो, सब उनसे ही फोटो खिंचवाएंगे जब इतनी अच्छी अच्छी फोटो लेंगे वो, एल्बम देखेंगे सब। तो इनको पतला निकलना है, लेकिन जब मोटे हैं तो पतले कैसे निकाले, देखना इधर सीटर, ये 1 घंटे से फोटो लेने पे लगे हुए हैं, मुझे लगा है जुकाम। यार ये नहीं, नौबत आई, रियलिटी बहुत भारी हो गया, दांत दिखा से तू, ये पकड़ दो 2 मिनट। उनको देखने के लिए तरस गए, और 12 बजे रात आ गया था, और अभी 2 बज चुके हैं, अभी तक ये लोग रेडी नहीं हुए। वो तो अच्छा हुआ इस साइड से मेरे चुनी। कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए तुमको? दोस्तों हमको खुद ही बोला कि वीडियो बना, और अभी पूछ रही वीडियो बना रही, वीडियो बना रही, तेरे को शक्ल भी तो दिखा। ये ममता अपना नाड़ा बांधते हुए, दीदी ममता अपना नाड़ा इधर है, आय हाय हीरोइन, हरियाली चाहिए यहाँ तो, हरियाली चाहिए। सो हे गाइस, आज हम रेडी हो चुके हैं, और देखिए सबको, देखिए आज सब
अप्सराएं लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत। कहाँ देखा होगा ये नजारा, कहाँ देखा होगा वही तो, आज तो मतलब सब फ्लैट इन लोगों को देखकर पिघल गए ना, क्यों अगर बनेगी लड़की तो फिर आप इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और शादी में जो ब्लॉग आएगा वो एंड तक बने रहना और सबको मेरी बहन को खासकर। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग, जय माला में, ओके बाय। गाइस मोनिका दीदी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है। दोस्तों यहाँ पे देखो डोली रखी हुई है दीदी की, और सच में कह रही हूँ यार, आज दिल से बात कह रही हूँ, मतलब ये डोली वगैरह देखी इसलिए मैं घर वालों से मतलब थोड़ा दूर आ रखी हूँ, मेरे को मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ मैं, और क्या ही बोलूँ आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पे बेदी है हमारे गढ़वाल में, मतलब यहाँ पे फेरे वगैरह होते हैं, और सच में बोल रही हूँ मुझे मतलब सही में आप लोग सोच रहे होंगे ये नौटंकी कर रही है या कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो बोलती हूँ सच ही बोलती हूँ। और देखो मैं बोल भी नहीं पा रही, मेरे को थोड़ा अजीब सा हो रहा है, घबराहट जैसे हो रही है अंदर से, पता नहीं क्यों। बहन दूर जा रही है, भले मिलती तो रहेगी लेकिन कुछ नहीं, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। जीजा जी तो लुट गया, अरे यूट्यूब में देख लेना दीदी की वीडियो।
पूरी शादी घुमा देगी दीदी अच्छे से ही है रे। जूते क्यों मारे लल्लो की तरह नए जूते लो जूते भी ऑनलाइन ले लो हमने नहीं मांगे तू आई दीदी जूते चाहिए नहीं जूते हम अपने जीजू को ऐसे नहीं भेज सकते ना इसलिए अरे मैं लल्लू लाला बोला लाला कैसे कैसे ये पेटीएम पहले बोला सब कुछ इसमें अलग से और क्या चलेगा वीडियो बन रहा है मिल गया हमारी ब्लॉग तो बना दे ब्लॉग ही तो बन रहा है जूते तो हमने दिए इतने पैसे तो दे जूते भी नहीं आए जाएंगे बच्चा वो तो जूते के है ना इनके दे दिए वो भी हम तो ज्यादा बोल रहे थे वैसे भी अनमोल इतने पास से मत बना कलश वाले को भी देना है कलश के भी देने और दोस्तों के लिए भी देने कलश के नहीं थे वो के उसमें रेबन काटने के थे वो अब हो गया पकड़ लो नहीं अब तुम्हें पता की ज्यादा हो गया अब तो सुनो सब हो गया ना कुछ बचा तो नहीं हमें अम्मा जी कैसी फीलिंग आ रही है अरे सब देख लो सब मिल गए कोई पसंद आ रहा है जवाब ही पसंद आ रहा है झगड़ा तो आएगी नेक्स्ट नंबर बना तो बना दे देखो मामू
बस बंद कर जा, बस हो गया, असन कोने तय कर बंद ले ना, आप ही खुद ले लो सिद्धू कोने की क्या सिद्धू अच्छे बस बस यार यूं ले फोटो आप मैं तो जा नहीं मेरे पर बस वो दो ले फोटो भाई साथ में फोटो जाए साथ में फोटो जाए पकड़ो पकड़ो यार अंदर जाओ गाड़ी थोड़ी पीछे आप नहीं आ रहे तो दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा होता है जब भी कोई बारात आती है तो सबसे पहले मंदिर में जाती है और जाते टाइम भी सबसे पहले मंदिर में जाती है। तो दीदी की डोली घर से तो निकल गई थी तो अभी मंदिर में जा रहे हैं और दूल्हा दुल्हन दोनों मंदिर में जाके आशीर्वाद देंगे, फिर उसके बाद बारात निकलेगी यहाँ से।